बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच में शुभांकर पर। दोस्तों अब सामने जो है नीट का एग्जाम है यानी 17 जुलाई, 17 जुलाई नीट देने वाले बच्चों के लिए अब वो परीक्षा की घड़ी है जिसके लिए वो तमाम पूरे सारा साल जो है वो तैयारी करते रहे। अब सवाल ये है कि तैयारी है कैसी, ये तो पता चलेगा नीट के स्कोर से। ये स्कोर बहुत कुछ चीज़ें बताएंगी दोस्तों, ये आपको ये बताएंगी कि क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं, या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, या आपको डेंटल मिलता है, या आपको आपको आयुर्वेदिक में जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें स्कोर्स पर निर्भर होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम ऑप्शंस खुले रहें तो आपको कहीं ना कहीं कोशिश करना पड़ेगा कि आपकी स्कोर्स जो हैं वो आपको उस दायरे तक ले जाए जहां पे आपके पास ऑप्शंस लेने की अपॉर्चुनिटी मौजूद हो। और ताकि इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकें तो आज हम इसी दरमियान में आपको मदद करना है। वक्त कम है, 7 दिन का अंतराल है, और इसी 7 दिन के अंतराल में जो है आप जो प्रिपेयर कर ले जाएंगे वही आपका पेपर आपको गिफ्ट के तौर पर, आपको एक अवार्ड के तौर पर, आपको स्कोर के रूप में देगा। तो आज हम अपने स्टूडियो में करियर काउच के इस प्लेटफॉर्म पर आज हमने 2 फैकल्टीज को इनवाइट किया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों? फिजिक्स और केमिस्ट्री इसलिए क्योंकि चाहे PCM हो यानी जो JEE का एग्जाम दे रहे थे या जो नीट का देंगे PCB हो, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन आ जाता है। दोस्तों ये जो बायोलॉजी है, अगर नीट की बात की जाए तो बायोलॉजी थोड़ा कंसेप्ट से ज़्यादा कहीं ना कहीं थ्योरिटिकल्स पे ज़्यादा निर्भर करता है। और जब बात थ्योरिटिकल की आती है तो वहाँ पे जो है आपके कंसेप्ट क्लियरेंस पर बहुत ज़्यादा निर्भर आप नहीं करते। कंसेप्ट की बात आती है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मामला यहाँ पे ज़्यादा संगीन हो जाता है, थोड़ा गंभीर हो जाता है। लेकिन इतनी भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपको टेंशन होने लग जाए, आपको कहीं ना कहीं मायूसी हो। उससे अच्छा है इस समय फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशंस किए जाएं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री धनपाल सिंह, जो कि केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं, पिछले 27 साल से लगातार ये प्रयासरत हैं कि केमिस्ट्री किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई जाए। और हम तो हर बार अपने एपिसोड्स पे कहते ही आ रहे हैं कि बात ये नहीं है कि बायोलॉजी इसलिए मत पढ़िए कि नीट क्लियर करना है, केमिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़िए कि नीट क्लियर करना है, या JEE क्लियर करना है, या फिजिक्स को किसी एक एग्जाम के ओनली सिर्फ उसी के जो है देखते हुए नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ना इसलिए चाहिए कि आपको केमिस्ट्री अच्छे तरीके से आए, आप उसके एक्सपर्ट बन सके, फिजिक्स के एक्सपर्ट बन सके, बायोलॉजी के एक्सपर्ट बन सके। किसी विषय के बारे में जब गहरे तरीके से जानेंगे तो उस विषय को लेके आप अपना करियर किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं श्री धनपाल सिंह जी से, जो कि केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं, और श्री शैलेश वर्मा जी से, जो कि फिजिक्स के फैकल्टी हैं। तो धनपाल सिंह जी हमारे स्टूडियो में, हमारे इस कार्यक्रम करियर काउच में शुभांकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये केमिस्ट्री जी है ना, ये अपने आप में जो है बच्चों को एक हिस्टीरिया दे जाता है। बिल्कुल, बच्चे बड़े घबराए घबराए फिर रहे हैं केमिस्ट्री को लेके, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और सब लेके जो है इस समय बड़ी टेंशन बनी हुई है जी। समय बहुत कम रह गया जी, 1 हफ्ते का समय, उसके बाद नीट का एग्जाम। ठीक है, अब मुझे जरा बताएं जी, बच्चा करे तो क्या करे इस समय, इस लास्ट मोमेंट में कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर आपने किया। सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि तैयारी करने के लिए जो क्वेश्चन का पैटर्न है और लेवल, उसको जरूर ऑब्जर्व करें। जैसा कि बच्चों के दिमाग में एक बात बैठी रहती है कि हम टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो हमारा बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पिछले 4 सालों का जो नीट का पैटर्न है सर, उसमें काफ़ी कुछ चेंज आया है। केमिस्ट्री की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल का पोर्शन काफ़ी कम कर दिया है और थ्योरेटिकल पोर्शन बढ़ा दिया है जी। तो इसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए कि जो थ्योरी का पोर्शन है जी, वो टोटल NCERT बेस्ड रखें। अच्छा, और लास्ट जो 7 डेज हैं इस समय, मैं बच्चों को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप केवल थ्योरी पोर्शन को टू द पॉइंट रीड कर लें जी,
क्योंकि जो सबसे सिली मिस्टेक्स होती हैं क्वेश्चंस में वो केवल यहीं पर होती है। हाँ, अच्छा, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है सर, उसके लिए फार्मूलों की एक वो लिस्ट बनाएं बच्चे, और उस लिस्टिंग को लास्ट वन डे जब बचे तो जरूर एक बार अच्छे से समराइज कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बच्चा जब क्वेश्चन को रीड करता है वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में तो उसको ये लगता है कि ये हमसे लग जाएगा, लेकिन फार्मूला थोड़ा सा मिस कर गया, इसकी वजह से वो क्वेश्चन फंस जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन नीट जैसे कंपटीशन के लिए सर, एक क्वेश्चन का फंसना वो आपको अंदर भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है, ये समझिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं बच्चों को यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों को चाहिए कि जैसे केमिस्ट्री के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे मैं उनका नाम लेके बता रहा हूँ, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो बेस्ट स्कोरिंग है, और इनको जो है एनसीईआरटी से रीड करने के बाद अपना जो पीवाईक्यू है उसको लगाएं, साथ में जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक है, सरफेस केमिस्ट्री है, एवरीडे लाइफ है, बायो मॉलिक्यूल है, तो इन टॉपिकों पर लास्ट के दो दिन में जरूर वर्कआउट करें। और कैसे करें, केवल एनसीईआरटी की रीडिंग करें, ठीक है, और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करके एग्जाम देने से पहले उसको एक बार जरूर रीड करके जाएं, कि बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बहुत ही लाइटली क्वेश्चन लिया जाता है, लेकिन वो सिली मिस्टेक से गलत हो जाता है। सही बात है। और बच्चे अगर इन बातों पर ध्यान दें कि मतलब जैसे हर बच्चा एक 45 के पेपर में 35 क्वेश्चन लगभग एक एवरेज बच्चा निकाल लेता है, लेकिन वो 35 क्वेश्चन उसका सिलेक्शन का स्कोर नहीं है सर। बिल्कुल। लास्ट के जो 40-45 के बीच का स्कोर है वो उसको रैंक देता है, और अगर उन पर वो स्पेशली ध्यान दे, और बच्चे को, हर बच्चे को आता है, ये भी जान लीजिए, जब पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में वो घुसता है बच्चा, जाता है पेपर देने, तो पेपर देख के उसको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सर फैक्टर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें उस पर मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ बच्चों को। सबसे पहले पेपर बायोलॉजी से शुरू करें, और कोशिश करें कि बायो के पेपर को 30 मिनट्स में सॉर्ट आउट करें। ओके, अच्छा, पहले बायो से शुरू। बिल्कुल सर, पहले पेपर बायो से शुरू करें और उसको 30 मिनट में सॉर्ट आउट करें, और सेक्शन ए को पहले कर लें। ओके। सेक्शन बी को बाद में करें, ठीक है, और इसके बाद केमिस्ट्री शुरू करें। केमिस्ट्री के पेपर को कोशिश करना चाहिए बच्चों को कि 30 मिनट में केमिस्ट्री का पेपर पूरा फिनिश कर लें, क्योंकि जो बायो और केमिस्ट्री से टाइम मैनेजमेंट होके बच जाता है वो फिजिक्स में एडजस्ट होगा, एडजस्ट होगा जी। अगर न्यूमेरिकल्स हैं ज्यादा, और इस पर उन लोगों को टाइम ज्यादा लगता। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे बच्चा पहले से पूरा मूड बना के जाता है कि हम 30 मिनट में बायोलॉजी निपटाएंगे, 30 मिनट में हम केमिस्ट्री खत्म करेंगे, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि वो फंस जाता है, और बच्चा वहां पर तुरंत तो डिप्रेशन में आ जाता है, अरे क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अब कैसे होगा, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये आपने बहुत बड़ी बात की डीपी सिंह सर, मैंने ये देखा कि ये बात सही है कि जब बच्चा जब एक क्वेश्चन पेपर पढ़ता है जी, ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने का जो अंदाज होता है ये अपने आप में बयां कर देता है कि बच्चे का पेपर कैसे होना जा रहा है। जो बच्चा घबरा गया पेपर करते करते कोई एक ऐसे सवाल पे फंस जाता है जो उसे नहीं आता तो डिमोरलाइज ज्यादा होने लग जाता है, वो कंसीक्वेंसेस को पहले सोचता है ना कि वो पेपर को कम्प्लीट करने के। सर एक चीज और है, मैं इससे पहले कि शैलेश जी के पास जाऊं और फिजिक्स के बारे में बात करूं, मैं थोड़ी सी चीज जानना चाहता हूं सर, अभी भी चीज ये है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, किस पर ध्यान कितना टाइम देना चाहिए, कितनी कैसे तैयारी होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है, और बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे कि जो इस समय जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसका जो अब जो एक हफ्ते के लिए जो अपना जो टाइम जो बांधेंगे तो केमिस्ट्री में किस तरीके से अब उनको प्रिपरेशन टाइम बांधेंगे। मैं दोनों क्वेश्चन का आपका आंसर देता हूं। पहले जो आपने कहा कि बच्चा जब वहां पर क्वेश्चन कोई फंस जाता है तो डिमोरलाइज होता है, पहली बात हमेशा बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए कि एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात। एक क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं रोक सकता, अगर वो क्वेश्चन आपसे फंसता है तो आप उस क्वेश्चन को इग्नोर करें, आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको बात के लिए रख लीजिए अगर ट्राई करना, ट्राई कर लें। बिल्कुल सही। दूसरी बात आई कि जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एक मेजर पोर्शन कवर करता है सर, मेजर पोर्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा पैटर्न एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की लाइनों से बाहर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैं बच्चों को सजेस्ट कर रहा हूं कि एनसीईआरटी की लाइनों को मिस ना करें। बिल्कुल सही बात है, आप बहुत ज्यादा ध्यान आप बार-बार कह रहे हैं कि एनसीईआरटी को देना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लाइन है लिखी है, कब क्वेश्चन जब बच्चा रीड करता है
तो वो एनालाइज नहीं कर पाता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जब वो पेपर देने जाता है तो वहाँ क्वेश्चन दिखता है। इसके बाद जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से देखो बन के आया, अब वो अपनी गलती एनालाइज कर। सही बात है इसके, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अगर आपने सर को सुना तो एक बात बहुत क्लियर होती है कि जैसे डीपी सिंह सर कह रहे हैं कि जब आप पेपर दें तो पेपर की प्लानिंग बहुत हद तक ये डिसाइड कर देती कि पेपर होने कैसे जा रहा है। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो उसको प्लानिंग में थोड़ा पेयर देर के लिए रख लीजिए, नहीं तो आप उसको आगे बढ़ जाइए, उसको छोड़ दीजिए। डीमोरलाइज होने की कतई जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन आपका भविष्य तय नहीं कर सकता। आइए चलते हैं आप शैलेश जी से बात करने कि आखिर फिजिक्स को कैसे करके हैंडल किया जाए। एंड माइंड इट, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई का एग्जाम हो, जो फिजिक्स है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर सब्जेक्ट होकर उतरता है। जैसे अभी केमिस्ट्री सर भी कह रहे थे, आप अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अगर नियमित समय से कर लेंगे तो फिजिक्स के लिए आपके पास समय बचेगा। तो यानी जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो एक्चुअली फिजिक्स होगा। तो चलिए बात करते हैं शैलेश जी से। शैलेश जी, पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। करियर काउच का ये जो प्रोग्राम है वो आप ही जैसे गुरुओं के लिए बना है ताकि आप हमारे दर्शकों को जो है सही राह दिखा सकें। तो आपसे आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो सर, अभी जैसे डीपी सिंह सर कह रहे थे कि भाई अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अगर एक नियमित समय से कर लें तो फिजिक्स के लिए समय बचेगा, कहीं ना कहीं इन्होंने भी इस बात को माना कि जो फिजिक्स है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होकर उभर सकता है नीट में, तो फिजिक्स के ऊपर बहुत जोर दिया। अब सर टाइम बचा है 7 दिन, इस 7 दिन के बाद, इस अंतराल के बाद जो है बच्चों का वो नीट का एग्जाम जिसके लिए वो पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं, मशक्कत में लगे हैं, अब होने जा रहा है। अब बच्चों को क्या कहेंगे 7 दिन में कैसे करके फिजिक्स की तैयारी करें, और दिमाग में ये भी रखना है कि 2 और सब्जेक्ट भी हैं, तो फिजिक्स को कैसे मैनेज किया जाए। तो बच्चों नमस्कार, इस शो में आपका स्वागत है। बच्चों देखिए, जो नीट की तैयारी आप कर रहे हैं तो लास्ट मोमेंट आपके पास जो 7 डेज का है, समय तो बहुत कम है लेकिन उसमें आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग क्या होती है कि जो भी आपके पास नोट्स हैं उसका एक शॉर्ट लिस्टेड कर लीजिए, और उसके बाद देखिए जब भी आप किसी टीचर से पढ़े होंगे तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन को वो टिक कर देता है, ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, खास करके जो नीट के बच्चे होते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि NCERT जो बुक होती सर उसकी लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा उनको। यही बात अभी डीपी सिंह सर जी सर बिल्कुल देखिए पूरा ध्यान रखा जाए। देखिए सर, जो केमिस्ट्री में बात लागू होती है वही फिजिक्स में थोड़ी मोड़ी बातें थोड़ा सा अलग हो जाती है जी। तो जैसा कि डीपी सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया चीज़ों को, वैसा ही काम आपको फिजिक्स में भी करना होगा। जैसे NCERT बुक पढ़ना होगा लाइन बाय लाइन, उससे क्या होगा कि जो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे वो आसानी से हो जाते हैं जी सर। दूसरी बात सर इसमें यह है कि जो नीट का बच्चा होता है वो मैथमेटिकल टूल्स से डरता है, क्योंकि जो फिजिक्स है नीट की उसमें मैथ काफ़ी अप्लाई होती, बेसिक मैथ जी, जी। तो बच्चों को क्या करना है कि जो बेसिक मैथ होती है वो उस पोर्शन को उनको तैयार करना होगा। ओके जी, क्योंकि उसके बिना वो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे जी। दूसरी बात ये है कि बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है तो बच्चा डरता बहुत है, अगर डरेगा कॉन्फिडेंस लूज कर देगा तो फिर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये बच्चों के सामने बहुत प्रॉब्लम होती है, खास करके फिजिक्स में, क्योंकि उनके माइंड एक्सेप्ट होता है कि फिजिक्स बहुत ही डिफिकल्ट होती है। लेकिन मैं 100% आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं होती है, एक माइंड सेट होता है बच्चे का कि फिजिक्स डिफिकल्ट होती है। जी 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 जी, तो अगर आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है तो पहले आपको क्या करना है कि जितना डेज बचे हुए हैं इसमें आप क्या करें कि जितने मेन फार्मूले हैं उनका आप कलेक्शन कर लीजिए और उनको अच्छे तरीके से रट लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि जब आपके पास फार्मूलों का कलेक्शन हो जाए सर, ठीक है, तो उन फार्मूलों पर आप छोटे छोटे क्वेश्चन करिए। एक बात आपको बता दें सर कि जो नीट में फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। अच्छा। अगर हाँ, आपकी थ्योरी अगर मजबूत है और फार्मूले आपके रटे हैं तो आप मान के चलिए कि 45 या 50 क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से जो है आप मान के चलिए कि 30 या 35 क्वेश्चन बच्चा कर लेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन होता क्या है कि फिजिक्स के फार्मूले को बच्चा भूल जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जो मैथ का पोर्शन होता है बच्चा उस पर फोकस नहीं करता पूरे साल। अच्छा, जहाँ पर मैथ आ गया तो वहाँ पे बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन को छोड़ देता है या कॉन्फिडेंस लूज कर गया तो वहाँ पर वो स्कोर नहीं कर पाता है। दूसरी बात सर, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि फिजिक्स का पेपर जो बच्चे को देना है
जब वो हॉल में बैठता है एग्जाम हॉल में, तो मैं देखो घुमाऊंगा नहीं। फिजिक्स में बहुत सिंपल तरीका होता है फिजिक्स का पेपर देने के लिए। होता क्या है, बच्चे को जैसे पेपर मिलता है वो क्या करता है कि जो भी उसका सब्जेक्ट है उसको लगता है कि ये सब्जेक्ट हमारे इजी है, इसमें हमें आता है, तो वो क्या करता है कि एक तरफ से क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। ये बच्चे का बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक है सर, उसमें करना पेपर कैसे आपको करना है, पहले तो आप पेपर को रीड कर लीजिए जो उसमें इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे अभी लास्ट ईयर हुआ है तो उसमें एक सेक्शन भी आ गया था। हाँ। तो बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं पाए कि एक सेक्शन बी का है, तो जो बच्चा सिलेक्शन के दौर से गुजर रहा था वो सेक्शन बी के वजह से सिलेक्शन उसका नहीं हुआ। आप ये डीपी सर से बात पूछ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जी सर, नहीं तो ये सेक्शन बी का चक्कर क्या है? एक्चुअली में बच्चों को इसके बारे में पहले पता नहीं था कि सेक्शन बी आएगा। सडन उनको पेपर में दिखता है कि अरे ये तो सेक्शन बी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें से इतने करने हैं, तो वो बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जिनसे मैं होप करता था कि ये बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन बाई चांस बहुत कम नंबर से उनका सिलेक्शन रुका, तो हम लोग को भी दुख हुआ, गार्जियन को दुख हुआ। ठीक है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। सर मैं पेपर कैसे आपको मैनेज करना है एग्जाम के हाल में, मैं वो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जो मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ और डिफरेंट डिफरेंट कोचिंगों में पढ़ाया है, कोचिंग का नाम तो नहीं ले रहा। ठीक है तो पेपर करने का मैं मेथड बताता हूँ। देखिए कोई भी काम करना जो होता है उसका एक ईजी और सिंपल तरीका होता है, मेरा जो मानना है। ठीक है, बस करना आपको आना चाहिए। आप पहले पेपर देखिए, पढ़िए थोड़ा सा उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसके बाद जो सब्जेक्ट आपको सबसे इजी लगता है कि हम इसमें स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है, आप वहाँ से स्टार्ट करिए। लेकिन पेपर करने का जो तरीका होता है मैं वो आपको बता रहा हूँ सर। देखिए पेपर रीड करिए, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इसको हमने देखा इसका आंसर ही होगा पहले कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आप जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, तो बच्चों को फिजिक्स में कैसे करना है उसका तरीका ये है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, अगर पहला क्वेश्चन आपको लगता है कि डिफिकल्ट छोड़ दीजिए, सेकंड क्वेश्चन पे आइए, आपने पढ़ा और पता चला कि ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, टिक कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि फिजिक्स का जो पेपर आपको मिलेगा उनमें थ्री या फोर टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट होगा कि क्वेश्चन पढ़ा टिक कर दिया, बच्चे को आंसर मालूम होता है, क्वेश्चन पढ़ा टिक कर दिया। तो आप क्या करिए कि जो भी 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें पहले उनको पहले प्लानिंग कर लीजिए। जी जी बिल्कुल सर, यू आर करेक्ट। तो पहले आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं जो टिक करते हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जिसको लगता था आपको कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप उसको सर्किल कर दीजिए। ठीक है, आगे आप बढ़े, उसके बाद लगता है क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है तो उसको आप डबल सर्किल कर दीजिए। तो पहले आपको पेपर में एक तरफ से नहीं करना है, ये बच्चे का बहुत मिस्टेक होता है कि एक तरफ से करेंगे मामला खराब हो जाएगा। आपको पहले वो सारे क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि देखिए 1 से लेके 50 क्वेश्चन में आपके कम से कम 15 क्वेश्चन बीच बीच में ऐसे होते हैं जिनको आप देखते टिक कर देंगे। अच्छा, पहले एक चीज और जानना चाहूंगा सैलेश जी कि मॉडर्न फिजिक्स या थर्मोडायनामिक्स, इनमें से बच्चे इस समय किस चीज पर ध्यान देने से उनको लगता है कि फिजिक्स जो है ज्यादातर वो निकाल ले जाएंगे? जी सर, यू आर करेक्ट। मैं बताना चाहता हूँ सर कि जैसा कि आपने कहा कि चैप्टर्स जो होते हैं फिजिक्स में वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम आपको बताते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होती है, उससे 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। और बहुत ईजी होता है। इसी तरीके से मॉडर्न फिजिक्स में भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होता है। और ऐसे रेऑप्टिक्स भी है, वेव्स हैं, और उसके बाद में ग्रेविटी है, तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं कि बच्चा अगर उसको पढ़ ले, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो उसके क्वेश्चन कर ले जाएगा। उसके बाद और बस एक आप एक चीज माफ करिएगा मैं टोक रहा हूँ सैलेश जी, लेकिन नीट में ज्यादातर जो बच्चे जो फंसते हैं कहा जाता है फिजिक्स में ही फंसते हैं। बिल्कुल सर, बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, बायोलॉजी अपने आप में स्कोरिंग है, अगर बच्चे ने अच्छे तरीके से याद किया हो तो बायोलॉजी निकाल ले जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, ये नहीं है, तो मैथमेटिकल जब नहीं होता है तो थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटेशन आ जाता है और बच्चे को जो अलग से जो है कुछ कैलकुलेशन करता है वो अपने आप में टाइम ले लेता है। जब पेपर देने जाता है बच्चा तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट। प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चा क्या करता है कि पहले बायो करना भी चाहिए, उसके बाद केमिस्ट्री करता है करना भी चाहिए, लेकिन अगर उसने टाइम का डिवीजन नहीं किया तो मामला फंस जाएगा। क्या फंसेगा आपका फिजिक्स, आपका पहले डिफिकल्ट है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं,
कि बाद में इसको ट्राई कर रहे हैं, आप उसके लिए समय कम है। जैसे मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट के लिए एक घंटे का टाइम मिलता है, हालांकि ट्वेल्थ में थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो अगर आप कुछ ऐसा करेंगे कि एक घंटा फिजिक्स, एक घंटा केमिस्ट्री, एक घंटा बायो, अगर ऐसा डिवीजन करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। जैसे कि डीपी सर ने एक अच्छी बात बताई कि आपको जो बायो करना है वो आधे घंटे में करना है, 30 मिनट में, अच्छी बात है, तो उसके बाद आपके पास समय बच गया। और केमिस्ट्री को भी ऐसे आपको करना है 40 मिनट 45 मिनट में, तो जो समय बचेगा एक घंटे से ज़्यादा आपको फिजिक्स में देना है, क्योंकि एक तो बच्चे का प्रेशर होता है कि यार फिजिक्स डिफिकल्ट होता है नीट के बच्चे को, और दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी मैथ आती है, तो अगर आप उसमें अच्छा करना चाहते हैं तो समय आपको फिजिक्स में बचा के रखना है। लेकिन सनी जी, अभी भी आपने ये चीज नहीं बताई कि स्कोरिंग कौन सा रहेगा, मॉडर्न फिजिक्स ज्यादा स्कोरिंग होता है कि थर्मोडायनामिक ज्यादा स्कोरिंग होता है, कि रिओप्टिक्स ज्यादा स्कोरिंग होता है, ग्रेविटी ज्यादा स्कोरिंग होता है, किस चीज में जो है स्कोरिंग जो है, जहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा ध्यान देने से वहाँ पे स्कोर कर ले गया तो बाकी का फिजिक्स उसके लिए आसान पड़ेगा, ऐसा कुछ रास्ता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए इसके लिए रास्ते हैं, वो है चैप्टर्स। जैसा कि अभी हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स से थर्मोडायनेमिक्स और वेव्स की बात की हम लोगों ने, तो क्या करना है कि कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिनको जो आपको आना चाहिए, हाँ उसके क्वेश्चन इजी भी होते हैं और सही भी हो जाते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, वेव्स है, रिएप्टिक्स है, ठीक है, और ग्रेविटी है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बच्चा इजीली उसके क्वेश्चन कर देगा करेक्ट, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होता है। और उसके बाद और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो डिफिकल्ट भी होते हैं, हालांकि देखिए हम लोगों को तो कोई चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगता है टीचर, जब बच्चा ही कहता नहीं सर ये चैप्टर, आपको बता दें कि सर देखिए जो मॉडर्न फिजिक्स है हमको जैसे 15 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आकर बोलते हैं सर मॉडर्न फिजिक्स तुमको समझ नहीं आ रही है, और जबकि बहुत ईजी होता है क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स एक कॉमन चैप्टर जो कि हम केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है, सर बैठे हुए यहाँ पूछ लीजिए, हाँ तो सर ने तभी मॉडर्न फिजिक्स का नाम लिख दिया, उसमें फिजिक्स में भी बहुत इजीली, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं सर देखिए कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है, आप उसको अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे, हाँ, जी, तो वो आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि फिजिक्स जो है अपने आप में कठिन जरूर है क्योंकि कंप्यूटेशन है, टाइम मैनेजमेंट को अगर आप ध्यान से करें, और जैसे कि बताया गया मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और रिओप्टिक्स, ऐसे कुछ चीजों को अगर इन चैप्टर्स के ऊपर आप अगर पूरी तरीके से ध्यान दे दें तो क्या है कि आपको इसके आंसर्स जल्दी प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और आप इसको करके भी ले जाएंगे। तो मैं शो को खत्म करने से पहले एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि हम डीपी सिंह सर के पास चलें और एक फिनिशिंग एक टच हम लेते हैं इनसे। टाइम मैनेजमेंट की बात की उन्होंने, भी टाइम मैनेजमेंट की बात की जी, आपने बताया कि भाई कैसे करके कुछ मेजर चैप्टर्स होते हैं जो कि स्कोरिंग हो जाता है उसमें बच्चे का ध्यान दे दें, तो उसमें सर केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में कैसे करके बच्चा, अब समय बहुत कम है जी, सब चीजें अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे नहीं पढ़ पाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे जी, जी, बिल्कुल सही। तो फिर किस तरीके से केमिस्ट्री में कौन से प्रिपरेट कर लें, कुछ ऐसे चैप्टर्स को बना लें जिसमें बच्चा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बढ़ जाए, मतलब कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाए। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए सबसे बेटर होगा कि इस लास्ट जो 7 दिन बचे हैं तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर स्पेशली थोड़ा फोकस करें, और जो रोडमैप प्रॉब्लम आती है जी जी, एक प्रॉब्लम आती है रोडमैप जी, तो उसमें कुछ नहीं है, रीजेंट का फ्लो होता है, अगर आप वो आपको आता है बहुत आसानी से निकलेगा। और दूसरी बात इनऑर्गेनिक पर स्पेशली फोकस कर लें क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा आ रहा है, इनऑर्गेनिक का ज्यादा आ रहा है, ये पिछले जो ट्रेंड जो हाँ, पिछले 4 साल का ट्रेंड है, क्योंकि पहले थोड़ा न्यूमेरिकल एनालिसिस ज्यादा रहती थी, इस समय कम कर दिया है, और वैसे भी फिजिकल का क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें टाइम टेकिंग हो और बच्चा लगा ना पाए, इवन अच्छा। दो जो प्रिपरेशन कम करने वाले बच्चे हैं जो बोर्ड वाले हैं हाँ। वो बच्चा भी लगा ले रहा है हाँ, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, आपने बहुत अच्छी बात बताई जो बोर्ड, क्योंकि बच्चों ने अभी भी हाल ही में बोर्ड हाँ, जी जी, तो अभी माइंडसेट जो है उनका भी वो बोर्ड के एग्जाम से जी जी, तो सर ये बोर्ड के एग्जाम में जो बच्चा ने जो प्रिपेयर करके आया है अब वो नीट देगा तो उसमें क्या कुछ कनेक्टिविटी रहती है कि ये थोड़ा बिल्कुल है सर बिल्कुल है, जितना थ्योरी का पोर्शन है रियलिटी ये है कि जो रिपीटर बच्चे होते हैं उनका वो पोर्शन वीक रहता है अच्छा। और जो फ्रेशर बच्चा है जो बोर्ड का अपीयर हुआ है हाँ। उसका वो स्ट्रांग होता है क्योंकि वो फ्रेश है बिल्कुल, फ्रेश है। हाँ, बिल्कुल सही और उसी के सहारे वो अपना स्कोर बढ़ा लेता है ओके। ये रियलिटी है तो अगर देखा जाए तो जिसने अभी अभी इंटर दिया बच्चों ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि जिन्होंने अभी अभी हाल ही में जिन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया है उनके लिए ये नीट का एग्जाम थोड़ा आसान लगने वाला है क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं बिल्कुल क्योंकि आपने हाल ही में आपने दिया है और उसको आप आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप हाइपर ना हो, एग्जाम्स को बिल्कुल फ्री माइंड से देने जाएं और आप एग्जाम को ऐसे ना कंसिडर करें कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है ऐसा मत सोचें, आप ये मान के जाएं कि मैंने अपनी तैयारी कर लिया है
और अगर कोई एक आध टॉपिक आपका तैयार नहीं है, आप उसको दिमाग से निकाल दें, ये मान के जाएं कि उससे क्वेश्चन नहीं है। सर मैं एक क्योंकि समय हम लोग की समय सीमा बहुत कम है, तो मैं मेन पॉइंट पर आता हूं। जैसे आपने अभी कहा जो फ्रेशर है, जो बच्चा भी बिल्कुल अभी अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम देके आया है, उसके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन सर देखा गया बच्चे ड्रॉप बहुत करते हैं, कहते हैं एक ईयर हम ड्रॉप करेंगे सिर्फ हम प्रिपरेशन के लिए। जी, तो क्या इसका प्रोत्साहन देना चाहिए कि बच्चा एक वो करे? नहीं देखिए सर, बिल्कुल बच्चा जैसे मान लीजिए कि होता क्या है कि सर जैसे मान लीजिए 600 नंबर का कट ऑफ गया सपोज दैट, और एक कोई बच्चा तैयारी कर रहा था या फ्रेशर है, मान लीजिए 590 नंबर लेके आया, तो 10 नंबर से उसका अगर सिलेक्शन रुक रहा है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस बच्चे ने एफर्ट नहीं किया। एफर्ट किया है, सही बात, बस 10 नंबर कम है, तो अगर वो प्रयास कर लेगा तो डॉक्टर बन जाएगा। इसलिए मतलब करने में कोई मतलब जो है नुकसान नहीं है, बस क्या है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो गई है। तो क्या ड्रॉप, क्या बच्चों को ड्रॉप करके प्रिपरेशन करना चाहिए? जो फ्रेशर है उनको ज्यादा चांसेस जो है बढ़ जाते? देखिए चांसेस तो फ्रेशर के ही ज्यादा होते हैं। हाँ, तो बच्चों एक बात तो तय हो गई, मैं ये चीज जानना भी चाह रहा था कि बच्चे जो जल्दी जो ड्रॉप करते हैं, जो फटाक से जो कह देते हैं कि नहीं इस साल हम ड्रॉप करेंगे अगले साल हम तैयारी करेंगे, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। और इसीलिए देखा गया है जो जितना ड्रॉप करते करते चार चार साल पांच पांच साल जो लोग वेस्ट कर देते हैं उसमें उनकी जो सक्सेस रेट है, जो सक्सेस रेशियो है, वो भी घट जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को लेकर हम आपके पास बारंबार आते रहेंगे। ऐसे एपिसोड्स करने का सिर्फ एक ही कारण होता है ताकि आप लोगों के लिए आने वाला जो एग्जाम है वो कितना आसान तो कोई चीज नहीं होने वाली, लेकिन उसको वेल प्लान्ड कैसे करें, आपके पास सारे इंफॉर्मेशन वो एक जगह जाके स्मार्टली किस तरीके से आपके नोटेड रहे। बार बार मैं जैसे कहता जाता हूं कि स्मार्ट लर्निंग करें, हार्ड लर्निंग का जो टाइम था वो फेज निकल चुका है, अब एक सप्ताह का टाइम है, ये टाइम है रिवीजन का। आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते, नया पढ़ने पर ध्यान देने से ज्यादा आप जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ चुके हैं, जिन चैप्टर्स पर पढ़ चुके हैं और जिस पर आपका होल्ड है, कमांड है, उसको आप वरन प्रैक्टिस करें, वो आपको शायद अच्छा स्कोर दिला सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने जो यहाँ पे जो दो फैकल्टीज आए हुए हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जो है मैं आप लोगों से, आप लोगों को एक ऑफर भी दे रहा हूँ मेरी तरफ से, आप लोगों के लिए एक मदद की खुला मतलब हमारी तरफ से एक हेल्पिंग हैंड आप लोगों के लिए उपलब्ध है। वो ये है कि अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स या बायोलॉजी को लेके कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट्स आती हैं, आप प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि नीचे हमेशा दिया जाता है आप उससे संपर्क साधें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने प्रश्न ईमेल कर सकते हैं, हमारे जो स्पेशलिस्ट फैकल्टीज हैं ये आपको हेल्प करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो यहीं पे आज मैं आपसे विदा लेता हूं, तो प्लीज देखते रहिएगा हर रविवार रात 9 बजे करियर काउच विद शुभांकर, ओनली ऑन प्राइम टीवी। बाय बाय।